अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो मैं काफ़ी अरसे से आई वॉज़ लाइक थिंकिंग कि मैं ये टॉपिक पे बात करूँगी, लेकिन फिर ये टॉपिक एकदम मेरे जहन से निकल गया एंड आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे क्यों ना मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ एंड आप लोगों से भी फीडबैक लूँ कि क्या वाकई ऐसा होता है, आप लोगों ने वाकई कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या सिर्फ दीज आर ऑल मिथ्स या ये सिर्फ एक बातें बनी हुई हैं। वो ये टॉपिक ऐसा है कि आई थिंक वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ एनर्जीज। हम सिर्फ एयर इनहेल या एक्सहेल नहीं करते, आई थिंक जो ह्यूमन एनर्जीज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल बहुत कम होती हैं जिसमें मिक्स्ड एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एनर्जीज मैं एक ऐसे सेंस में कह रही हूँ कि जो पर्सन हमेशा नेगेटिव थॉट सोचता है या सोचती है, अच्छा मेरे साथ आज ये हो जाएगा, और बहुत नेगेटिव बातें करता है, औरों के बारे में बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करता है या करती है, औरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, या जेलस फीलिंग्स ऑफ एनवी और जितने ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जितना ऐसे लाइक हेट्रिड के थॉट्स होते हैं, ये सब कुछ, इन थॉट्स में जो ये सारी एनर्जीज होती हैं दे आर एक्चुअली कंटेजियस। ये सारी एनर्जीज के पास इतना आप कह सकते हैं कि ये सारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, जो इनका इन्फ्लुएंस है ना, वो अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर आप लोग पूछें तो ये लोग बहुत जल्दी अपने आसपास के लोगों को नेगेटिविटी जो के है वो इफ़ेक्ट करती है, और लेकिन जो कि इसके असरात हो सकते हैं ना वो दे आर लाइक टेम्प्रेरी। अगर आपको गुस्सा, जितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है आप उतनी जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हो, लेकिन जो पॉजिटिव इमोशंस हैं ना, फीलिंग ऑफ होप, लाइक फीलिंग्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप, जितने सारे पॉजिटिव रिलेशंस हैं या लाइक पॉजिटिव इमोशंस हैं ना, उनमें क्या चीज़ होती है कि उनका जो इन्फ्लुएंस होता है ना, उनका इन्फ्लुएंस आराम आराम से होता है, लेकिन जो उनका इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि आप एक चीज़ बोलते हो जी के इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स, तो जो पॉजिटिव इमोशंस के, वाइब्स के, एनर्जी के जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, दे आर परमानेंट इन नेचर, और वो कहीं ना कहीं इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर एक बहुत नेगेटिव इंसान है जिसके पास आप बैठते हो ना, सो दीज थिंग्स, जैसे कि बीमारियां होती हैं अछूत की, दीज थिंग्स आर कंटेजियस, अनइंटेंशनली या इनएडवर्टेंटली या द बैक ऑफ द माइंड इन योर लाइक सबकॉन्शियस लेवल, वो चीज़ें आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो, बिकॉज ह्यूमन लाइक ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ स्पॉन्ज, वो चीज़ें सब सारी आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, दे आर बिकमिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पर्सनैलिटी। ऐसे ये सारे idioms मुहावरे नहीं बने हुए कि जो कंपनी है, जो सोबत है, और बुरी सोबत का असर जल्दी हो जाता है, बिकॉज बुराई, नेगेटिव इमोशंस, सच नेगेटिव थॉट्स, दे इन्फ्लुएंस द पर्सन मोर क्विकली, लेकिन जितनी जल्दी ये इन्फ्लुएंस करते हैं उतनी जल्दी जो इनका असर है वो आपके माइंड से चला भी जाता है, अगर आप अपनी कंपनी चेंज कर लो तो। और मैंने तो वाकई ये चीज़ मतलब आई हैव विटनेस्ड कि अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान के पास बैठी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यानी कि वो स्प्रेड करता है, हर चीज़ में कोई ना कोई मतलब बुराई ढूंढता है, और हर चीज़ में अच्छा ये ऐसे हो गया, फलाना ऐसे, अगर ये हो जाता तो क्या हो जाता, तो उनके पास अब बैठ के देखो, यू एट लाइक वन स्टेज यू बिकम रेस्टलेस, आपको एक अजीब सी एक बेचैनी, आपके सर के ऊपर एक ऐसी कोई चीज़ सवार हो जाती है, दैट इज़ जस्ट गेटिंग ऑन योर नर्व्स, कि उस लाइक आपको समझ ही नहीं आता कि आपके आसपास हो क्या रहा है, बिकॉज आप नेगेटिविटी अपने अंदर इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर चुके होते हो कि दैट इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करो, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातों, आपके थॉट्स से, वो चीज़ आपकी बातों, आपकी थॉट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाती है आफ्टर सम टाइम।
और आप भी जो कि है वो एक ऐसे नेगेटिव इंसान बन जाते हो अनफॉर्चुनेटली. सो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए. इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो के एंड पे कहती हूँ कि बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी. आप ऐसे कर सकते हो, अगर कोई बहुत अच्छी लग रही है या लग रहा है तो यू कैन से लाइक हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड बट प्लीज़ नो गुड मॉर्निंग मैसेजेस. आई एम नॉट सेइंग यू टू डू दैट. मैं फेक होके प्रिटेंड कहने को नहीं, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट, मतलब यू कैन विश अ पर्सन लाइक गुड विशेस टू स्टार्ट देयर डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ गुड डे, यू कैन कॉम्प्लीमेंट. आप पॉजिटिव लोगों के साथ जो के है वो अपनी कंपनी में उन लोगों को शामिल करें और जो के पॉजिटिव आइडियाज, जो के लाइक नई नई बातें लाइक दे कैन ऐड इन टू योर नॉलेज एंड आपके नॉलेज में और जो भी चीज़ें आप सीखते हो उनमें ऑब्वियसली इजाफा ही होगा ऐसे अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ के. और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ऐसी एनर्जीज, ऐसी वाइब्स जो के हैं. हाँ, एक और बात, ऐसी वाइब्स को लेके, एनर्जी को लेके आई एम वॉचिंग अ सीरीज दीज डेज ऑन नेटफ्लिक्स जिसका नाम है द गर्ल फ्रॉम नोवेयर. एंड इसकी हर एक आप कह सकते हैं कि लाइक एपिसोड्स हैं इसकी एंड इसके सीजन्स अभी तक 2 आए हैं एंड वन एपिसोड इज ओनली ऑन दिस थिंग के विच ऑफ द ह्यूमन इमोशन ड्राइव्स द पर्सन मोर, लव, hatred, friendship, positivity or negativity. And ultimately is like series के 8th या 7th episode के end पे ये वाली बात prove हो जाती है कि जो hatred होता है ना, that drives the person crazy and that hatred is the most strongest element and the most strongest emotion that a human can have for the other human being. So please don't hate anyone. Because ऐसे negative emotions से ना आप कि बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड उन हार्मोन्स का जो कि इफेक्ट है ना लाइक गुस्सा, नफरत, हकारत, जेलसी, आपका खून जलता है, आपके जो ऑर्गन्स सही से फंक्शन नहीं कर सकते एंड आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. और जो हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, ये सारे जो एक्साइटमेंट हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं, उनका लेवल आपकी बॉडी में इस हद तक सप्रेस हो जाता है कि यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस बिकॉज ऑफ दोज नेगेटिव हार्मोन्स बींग रिलीज इन योर बॉडी. सो ये जिस सीरीज का मैंने आपको बताया है ये अभी मैं सारी देख लूँ बिकॉज मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू या सीरीज का रिव्यू नहीं मैं करती होती जो कि मैंने खुद भी ना देखी हो. तो जब मैं ये सारी सीरीज कंप्लीट कर लूँगी, बिकॉज इसके 2 सीजन्स हैं, तो इसकी हर एपिसोड का नहीं, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस होते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, वो मैं ज़रूर करूँगी. At the end of this video, I would say that be positive and spread positivity and take care of yourself and stay blessed. Aur milenge agli video mein. Till then, Allah Hafiz.